मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में एक बार फिर डिज्नीलैंड मेला शुरू हो गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ किया। मेले के प्रथम दिन शहर के अलग अलग हिस्सों ने लोगों ने शिरकत झूले का आनंद उठाया। इस दौरान मेले में सहारनपुर का गिफ्ट आइटम बनारसी साड़ी, राजस्थानी अचार, मुंबई की ज्वेलरी और बच्चों के लिए खिलौने के स्टॉल व राजस्थानी फूड आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण आयोजकों को मेले को बंद करना पड़ा था। वहीं दोबारा मेला शुरू होने से लोगों की भीड़ देखकर कलाकारों और दुकानदारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं बच्चों ने टोरा टोरा, चांद तारा, ड्रैगन टावर, ब्रेक डांस, मिकी माउस, वाटर वोटिंग आदि झूलों का खूब आनंद उठाया। ये 21 फरवरी 2022 से लेके 11 अप्रैल 2022 तक हमारा डिज्नीलैंड विथ हस्तशिल्प मेला तिलक मैदान मोती झील मुजफ्फरपुर में खुला रहेगा। हम लोगों से क्या अपील रहेगा? इसे पिछले बार हमने लगाया था शरद के महोत्सव के उपलक्ष्य में, जो 18 दिन रनिंग किया। इसके बाद कोरोना तीसरी लहर के कारण बंद करना पड़ा। हमारा प्रयास है जिस तरह आपने उस समय हमारा समर्थन किया था, इसी तरह फिर से 21 फरवरी से मोतीझील तिलक मैदान में आए परिवार के साथ, कोरोना को गाइडलाइंस करते हुए मास्क वगैरह सारा कुछ सिस्टम वही है। सारा झूला, बड़े बड़े झूले आपको मिलेंगे यहाँ पे। पूरी फैमिली के साथ आइए, मनोरंजन कीजिए। हमारे इस बार कुछ ज़्यादा ही हस्तशिल्प कुटीर के स्टॉल हैं, जैसे गुजराती आइटम आ रहे हैं, राजस्थानी अचार आ रहा है, पिकल आ रहा है, वैरायटी कुछ ज़्यादा मिलेंगे आपको, बम्बैया टॉप्स मिलेंगे। साथ ही साथ बड़े बड़े झूलों का भी प्रबंध है। और आइए एक बार पूरी फैमिली के साथ हमारे मेले में, 11 अप्रैल लास्ट डेट है 2022। डिज्नीलैंड मेला 20 दिन ही चला था और कोविड-19 का पालन करना था, इसलिए कोविड को देखते हुए इसको बंद कर दिया गया था, फिर से चालू हुई है। शहरवासियों, ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। बच्चे से लेकर जितने भी, जिस तरह कोरोना काल में दुखद न्यूज ही सुनने को बराबर मिलता था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, कम से कम यहाँ एक बच्चे लोग के लिए मनोरंजन का साधन है, झुलवा हुआ है। उसके बाद कुटीर उद्योग के तरफ से जो है यहाँ स्टॉल लगाया गया है, बेरोजगारी भी दूर होगी और एक मनोरंजन का साधन यहाँ मुजफ्फरपुर में लोगों को मिलेगा। शहरवासियों को एक नया तोहफा है मनोरंजन। आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आम लोगों से अपील है कि सब लोग आके अपना यहाँ लुत्फ़ उठावे। अब गर्मी का दिन, अब ठंड भी नहीं है, आराम से आके घूमें फिरे। बच्चों को अब जो ये टेंशन बना हुआ था सबके दिमाग में कोविड-19 का, कोरोना काल का, और टेंशन से भी बहुत सारा बीमारी होता है। कम से कम मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से तो कोई पहल भी नहीं किया गया है। कोई गार्डन नहीं है, कोई कोई झुलवा उलवा, जैसे कि हम लोग MRDA जिस समय कांग्रेस के समय में MRDA मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की तरफ से गार्डन ही सब बनाया गया था, आज तो सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन चलिए सभी लोग को मिल के शहरवासियों को लुत्फ़ उठावे, यहाँ आनंद से अपने परिवार के साथ आके यहाँ घूमे फिरे। अच्छा अरेंजमेंट है, 20 दिन में ही हम लोग देखे थे कि बहुत अच्छा, बच्चे लोग में काफ़ी उत्साह था।